हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। तो कैसे दोस्तों आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे। और देख पा रहे हैं दोस्तों मेरे यहाँ पे जीटी की नई वीडियो। तो आज की वीडियो में यार कुछ यहाँ पे सीन ऐसा होने जा रहा है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी का। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर आज भाई अपना ये रैंप लोकेटेड हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मिलती है हमें एक बहुत ही लंबी पाइप दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लंबी है ये पाइप। उसके बाद यहाँ से हमें कुछ रुकावटें पैदा करेंगे। ये देख लो यार, यहाँ पे गोल चक्कर लगे हुए हैं, तो इनसे गाड़ियों को निकालना यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाला दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे गाड़ियाँ जंप लेंगी। और ये है भाई यहाँ पे खड़ी चढ़ाई। जो भी गाड़ी भाई इस चढ़ाई को यार यहाँ पे कंप्लीट करेगी तो भाई वही आज की अपनी विनर गाड़ी होगी। अगर गाड़ी गाड़ी के यार यहाँ पे टायरों स्किट निकालना चालू कर दिया ना, तो देखो यहाँ से यार गाड़ी आएगी अपनी, यहाँ तक आएगी। तो मैं उसको यहाँ पे ना सीधा रिवर्स करके यहाँ तक लेके आऊँगा, और यहाँ से थोड़ा ये ना बूस्ट मिल जाएगा भाई, नहीं तो यहाँ से सीधी गाड़ियाँ ना जा नहीं पाएंगी यार। यहाँ से अगर सीधा मैं ट्राई करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने जाएगा दोस्तों। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा सा वहाँ पे रिवर्स ले लेंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी हमारी गाड़ी यार इसको यार टेस्ट को क्लियर करेंगी। तो सबसे पहले बढ़ेंगे हम दोस्तों यहाँ पे अपनी महिंद्रा थार के साथ। तब तक के लिए गाइस आप मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको भाई वीडियो के एंड में। थोड़ा इंस्ट्रक्शन भाई सुन लेना यार आज अपने भाई का। भाई थोड़ा सा यहाँ पे भाई इसको हल्का सा जंप चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। पाइप के अंदर एंट्री मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई। ये देख लो यार, अगर थोड़ी और रेस देता ना मैं तो यार बहुत ज़्यादा डैमेज होती है यार अपनी महिंद्रा थार यहाँ पे। लेकिन हमने यार ज़्यादा बूस्ट नहीं दिया था गाड़ी को, हल्का हल्का भाई मैंने चलने दिया था गाड़ी का यहाँ पे। अब बड़े यार प्यार से लेके जाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे अपनी महिंद्रा थार को। तो यार वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखना भाई, और अपनी 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 फेवरेट गाड़ी का भाई यहाँ पे कंपेरिजन जरूर करना दोस्तों। कंपैरिजन यहाँ पे यार जरूरी, आपको पता लगना चाहिए दोस्तों आपकी गाड़ी यार यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड लेती है। तो अब भाई यहाँ से निकलेंगे हम। अबे 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 अबे, अबे नहीं भाई यार, बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेंगी आज गाड़ियाँ। मुझे भाई हिसाब इसका ऐसे नहीं आएगा इसको भाई। अब भाई यहाँ पे बड़े प्यार से दोस्तों यार अपनी थार को मैं थोड़ा सा बैक लेके जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पे जहाँ तक बैक जाएगी अपनी थार। यहाँ पे अब हम भाई इसको सीधा खींचने वाले हैं दोस्तों। देखेंगे भाई यहाँ पे क्या गाड़ी भाई अपनी ऊपर जा पाएगी। अभी तक तो यार यहाँ पे गाड़ी अच्छा ट्राई कर रही है भाई, लेकिन अब जाके भाई मैं कहूँगा दिक्कतें आने लगी दोस्तों। यहाँ पे बस स्किट मत निकालना हो रही है, देख लो भाई पीछे आने ही भाई यहाँ पे गाड़ी चालू हो चुकी है दोस्तों। गाड़ी के भाई यहाँ पे परखंचे फट चुके हैं दोस्तों, गाड़ी मेरे हिसाब से तो भाई नहीं कर पाएगी। तो चलिए यार मैं गाड़ी को भाई बाहर की तरफ लगा दूंगा, एक है हमारे पास यहीं पर जगह मैंने बना रखी है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट गाड़ी पे दोस्तों। अब बारी आती दोस्तों यार यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर है हमारी लेजेंडर। और ये देख लो यार आगे से ना गाड़ी थोड़ा सा लग गई थी यार मेरे से, इसको मैं यार ऊपर हेलीकॉप्टर की मदद से लेके आता था। तो यार थोड़ा सा तो हो ही जाता है यार गाड़ियों को दिक्कत यहाँ पे। अभी यार इसको बड़े प्यार से भाई पाइप के अंदर लेके जाना पड़ेगा भाई उसके बाद, क्योंकि नहीं तो भाई गाड़ी ऊपर लग सकती है अपनी। अबे भाई नहीं भैया, बहुत ही गंदे वाली यार गाड़ी लग जाती है ऊपर। अब कर भी क्या सकते भाई, गाड़ी को सीधा कर लेते हैं। लगी है यार, लेकिन गाड़ी इतना कोई खास लगी नहीं है, बस यार गाड़ी कर ही जाए यहाँ से। तो भाई जैसे तैसे हम मैनेज करवा के भाई अपनी गाड़ी को निकाल ही लेंगे। बात भाई आ जाती है ना अपनी भाई वहाँ पे खड़ी चढ़ाई को भाई यहाँ पे पूरा करने की। तो ये देखना भाई यहाँ पे बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है कि दोस्तों कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे निकल पाएंगी। और भाई यहाँ पे अपनी लेजेंडर अच्छी खासी दोस्तों यहाँ पे निकलने में भाई ट्राई कर रही है अभी तक तो भाई। अबे 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 नहीं 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 भैया माइकल नहीं, नीचे मत गिरा देना भाई गाड़ी को यार, यहाँ पे कंजेस्टेड एरिया मिलता हमें पहले ही। और ये देख लो यार फॉर्च्यूनर तो भाई ऑलमोस्ट यार नीचे गिर ही गई थी, बस जैसे तैसे मैनेज करके यार अपने माइकल भैया बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, इन्होंने यार यहाँ पे मैनेज किया था अच्छा खासा। और इससे ऊपर बैक जा नहीं रही है तो भाई हम इसको यहाँ पर सीधा चढ़ाई के लिए भाई चढ़ा देते हैं। और भाई क्या लेजेंडर, और ये क्या भाई गाड़ी की स्पीड तो भाई कम ही नहीं हो रही है भाई, गाड़ी तो यार यहाँ पर कर गई दोस्तों। अब क्या बात है भाई, क्या बात है, आज मिलती है हमें दोस्तों आज की अपनी वीडियो में पहली विनर अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर। क्या धाकड़ गाड़ी है भाई यहाँ पे, गाड़ी ने भाई यहाँ पे सभी के होश उड़ा दिए दोस्तों, सभी के होश उड़ा दिए दोस्तों गाड़ी ने, ये बात कहनी पड़ेगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गाड़ी पे। अब बारी आती है दोस्तों यार यहाँ पे अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट की, देखना होगा भाई यहाँ पे क्या गाड़ी अच्छा खासा जंप लेगी। और भाई जंप लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या गाड़ी भाई अपनी ऊपर चढ़ पाएगी, या फिर इसको भाई यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा गाड़ी को भाई, नहीं तो यार ऊपर टकरा जाती गाड़ी भाई, फिर क्या फायदा है। ये भाई स्पीड हमें तब चाहिए होती यार तब हमारी गाड़ियाँ पहुँचने में भाई कामयाब हो, लेकिन अब तो यार बगैर स्पीड के यार अपनी गाड़ी अच्छी खासी भाई यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। बस भाई स्पीड हमें चाहिए भाई ऊपर चढ़ते टाइम, ऊपर चढ़ते टाइम भाई यहाँ पे कैसे भी यार अपनी स्पीड मैनेज हो जाए बस, और तो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। और ये देख लो भाई स्विफ्ट अभी निकलने में भाई यहाँ पर कामयाब हो रही है भाई,
और मैं कहूंगा यार गाड़ी को तो अभी तक तो भाई यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है दोस्तों। और डैमेज भी भाई गाड़ी को थोड़ा बहुत अभी जाके मिला, नहीं तो उससे पहले तो भाई गाड़ी डैमेज भी नहीं थी। अबे क्या ऊपर जा पाएगी यार, आज थार नहीं जा पाई भाई ऊपर यहाँ पे, लेकिन ये वाली गाड़ियाँ भाई यहाँ पे हार नहीं मान रही है दोस्तों। बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाया दोस्तों आज वाली इन गाड़ियों ने, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लगा मुझे तो भाई यहाँ पे अपनी लेजेंडर का और यहाँ पे अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट का। स्विफ्ट का यार मुझे और भी खतरनाक लगा भाई इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई गाड़ी ने भाई सबसे कम डैमेज यार अभी तक की गाड़ियों में से कंटेन किया। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गाड़ी में, देखना होगा यार यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ भाई यहाँ पे इस खड़ी चढ़ाई पर दोस्तों चढ़ पाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट गाड़ी पे। अब बात याद है दोस्तों यार यहाँ पे अपनी महिंद्रा XUV 700 की, तो भाई यहाँ पे गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है चलने के लिए और अच्छी खासी स्पीड भाई गाड़ी बना रही है। हमें इतनी स्पीड की यार जरूरत है नहीं, तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भाई ब्रेक पे अपना पैर रख लेंगे। माइकल दादा अबे नहीं भाई, इतनी ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए दोस्तों हमें यहाँ पे। यार मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे एक रिवर्स वाला चैलेंज भी बनाया जाए दोस्तों, रिवर्स में भी अपनी गाड़ी की यार यहाँ पे स्पीड टेस्ट करी जाए भाई। कम से कम भाई यहाँ पे 15 सेकेंड का भाई चैलेंज एक और एक्सेप्ट किया जाए। अगर आप बोलोगे भाई तो मैं जरूर बनाऊंगा भाई वीडियो, बस भाई आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाई आपकी डिमांड कैसी रहेगी दोस्तों। आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनेगा दोस्तों यहाँ पे जो भी बनेगा, अगर आपकी डिमांड नहीं है तो नहीं बनेगा, बस आप बोल देना भाई अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ तो मैं बनाने का भाई यहाँ पे जरूर से ट्राई करूंगा। रिवर्स में भी यार, रिवर्स में भी भाई पता तो लगना चाहिए ना यार यहाँ पे कौन सी गाड़ी यार यहाँ पे कितना ज्यादा भाई यहाँ पे। अबे नहीं भाई यार, नहीं यार गाड़ी यार वहाँ पे सही जंप ना लेके भाई नीचे ही गिर गई हो भाई मानो। अबे यार गाड़ी भाई नीचे गई भाई। अब भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई आपको क्लियर, कि भाई अब अपना माइकल भैया अमर नहीं रहा है यार, उसके भाई अमर होने के चांसेस दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कम हो चुके हैं। अभी भाई यहाँ पे पैराशूट से हम लैंड हो जाएंगे। चलिए मैं आपको मिलता हूँ यार सीधा नेक्स्ट गाड़ी पे। ये वाली गाड़ी तो यार यहाँ पे अपनी ऊपर से ही यार नीचे कूद गई, तो भाई मैं क्या करता भाई, मैंने कंट्रोल करने की यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोशिश की गाड़ी की, लेकिन भाई गाड़ी कंट्रोल ना हो पाई भाई और नीचे गिर गई भाई। अपनी यार लेजेंडर भी अच्छे से भाई कंट्रोल हो गई थी, लेकिन XUV 700 नहीं कर पाए हम भाई इसको कंट्रोल। तो मिलता हूँ नेक्स्ट गाड़ी पे। अब बारी आती है दोस्तों यार यहाँ पे अपनी ग्रैंड न्यूज i10 की, देखना होगा भाई यहाँ पे गाड़ी क्या ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं दोस्तों। अभी तक तो भाई यहाँ पे दो गाड़ियाँ भाई यहाँ पे सक्सेसफुली ऊपर जा चुकी हैं दोस्तों, अब देखना होगा भाई यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ जा पाएंगी। तो भाई मैंने यार XUV 700 की भाई यहाँ पे ट्राई ऐसी की थी यार, लेकिन भाई गाड़ी ने यार वहाँ पे जंप से भाई इतना ज़्यादा वहाँ पे भाई स्पीड बन जाती गाड़ी की, भाई वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता यार। मैंने यार अपनी लेजेंडर को भी भाई यहाँ पे जैसे तैसे करके यार कंट्रोल कर ही लिया था, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते ना यार वहाँ पे। ओ अबे नहीं भाई नहीं यार, गाड़ी को यार यहीं पे दिक्कत आ गई दोस्तों। ये क्या यार, ये तो यहीं पे फंस गई। अबे नहीं भाई, हो जा यार निकल जा जैसे तैसे करके, तो मेरे हिसाब से दोस्तों गाड़ी नहीं निकल पाएगी यार। अब बारी आती दोस्तों यार यहाँ पे अपनी किया सेल्टोस की, तो ये भाई यहाँ पे अपनी किया सेल्टोस रेडी हो चुकी है। क्या गाड़ी भाई वहाँ पे क्लिम कर पाएगी और यहाँ से निकल पाएगी, ये देखना होगा यार हमारे सभी के लिए। अभी तक तो भाई गाड़ी अच्छा खासा भाई यहाँ पे जंप लेने वाली है, और ये देख लो भाई, भाई मैंने कितनी ज़्यादा स्पीड कम की भाई, उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे गाड़ी आगे लग गई यार। तो चलो जैसे तैसे करके भाई माइकल यार अपनी गाड़ी को सीधा तो कर लेता ना, ये सबसे बड़ी बात है भाई, अपनी इंडियन गाड़ी है यार यहाँ पे जल्दी सीधा हो जाती है। और यहीं पे भाई अपनी i10 को दिक्कत आई थी इसको, तो मैं भाई यहाँ पे प्यार से ही निकालने वाला हूँ। और ये देख लो भाई, चल 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 सेल्टोस कर सकते हो आप, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो यार यहाँ पे। तो अब भाई यहाँ पे जंप के साथ साथ देखना होगा भाई यहाँ पे, ये देख लो भाई अपनी यार XUV 700 भाई यहाँ पे लग के और भाई नीचे गिर गई थी। तो चलिए अब बढ़ती है यहाँ पे अपनी किया सेल्टोस ऊपर के लिए। गाड़ी को भाई यहाँ पे दिक्कतें आनी चालू हो चुकी हैं, और ये देख लो भाई टायर कैसे घूम रहे थे और वापस आ गए दोस्तों, नहीं जा पाएगी दोस्तों गाड़ी। अबे 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 नीचे मत गिर जाना भाई। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट गाड़ी पे दोस्तों। अब बारी आती दोस्तों यार यहाँ पे अपनी फोर्ड की है हमारी एंडेवर, देखना होगा भाई क्या गाड़ी जा पाएगी उस पर या फिर नहीं। धाकड़ गाड़ी है भाई, गाड़ी की स्पीड का भाई यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है, बस भाई ऊपर चढ़ते टाइम देखना होगा भाई गाड़ी की स्पीड भाई यहाँ पे कैसी रहेगी। ये देख लो भाई स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी भाई, मैंने कंट्रोल करने की भी कोशिश की और भाई फिर भी यार गाड़ी जंप भाई बहुत ही लंबा ले गई यार, इतने लंबे जंप की यार हमें यहाँ पे जरूरत थी नहीं। लेकिन भाई माइकल भैया पता नहीं यार कैसे बंदे को यार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो यार हर बार ऐसे ही कर देते हैं यार, कहीं ना कहीं तो भाई वो कुछ ना कुछ पार्ट में यार थोड़ा बहुत गड़बड़ कर ही देते हैं। मुझे भाई लगता है कि माइकल का यार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बदलवाना पड़ेगा भाई, नहीं तो यार वो
ऐसे यार रैंप में हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी देने वाला है, तो अभी यहाँ से भाई बड़े प्यार से निकालने की मैं यार यहाँ पे ट्राई करूँगा। और ये देख लो भाई, रुक जा भैया, माइकल भैया ऐसे मत करना आप यार, नहीं तो ये चले दोस्तों यहाँ पे अपनी बोर्ड की है हमारी एंडेवर, अच्छी खासी स्पीड के साथ भाई गाड़ी ऊपर बढ़ रही है। लेकिन अब जाके भाई गाड़ी के यार यहाँ पे होश छूट गए थे, लेकिन फिर से भाई यहाँ पे गाड़ी ने परफॉर्म किया था। और लेकिन नहीं दोस्तों, अब नहीं जा पाएगी दोस्तों यहाँ पे गाड़ी किसी भी कीमत पर, भाई अब नहीं जा पाएगी दोस्तों गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था गाड़ी ने भाई, लेकिन भाई आधे तक ही आ पाई भाई, इससे आगे नहीं जा पाई। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गाड़ी पे। अब बारी आती दोस्तों यार यहाँ पे अपनी महिंद्रा बोलेरो की, देखने को भाई क्या गाड़ी भाई उस पर जा पाएगी या फिर नहीं। गाड़ी चली भैया यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पीड बना ली थी गाड़ी ने, लेकिन भाई इतनी स्पीड मुझे नहीं चाहिए, मैं हर बार भूल जाता हूँ भाई यहाँ पे, तो इसको भाई इतनी ही स्पीड काफ़ी है। और ये देख लो भाई यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे लैंड हुई है अपनी महिंद्रा बोलेरो दोस्तों। अब बस भाई ये प्यार से ही निकल जाए भाई यहाँ पे, टकराए वकराए ना इतना ज़्यादा, कोशिश तो यही रहेगी दोस्तों। और यहाँ पे अबे नहीं भाई, मैंने भाई कोशिश की थी यार कि क्या निकल पाएगा यहाँ से या फिर नहीं, तो भाई मैंने सोचा यार आ तो गए हैं भाई यहाँ पे, ट्राई करने में क्या जाता है भाई, लेकिन अपनी बोलेरो ने भाई यहाँ पे थोड़ा सा ही चूक गई दोस्तों, नहीं तो ऑलमोस्ट यार यहाँ पे अपना हो ही गया था यार, बस थोड़ा सा ही पार्ट हमारा बचता था। चलो कोई नहीं भाई, मैंने तो भाई ऐसे ही सोचा था कि भाई हो जाए बस, लेकिन होने में यार यहाँ पे कामयाब ना रही अपनी बोलेरो। और आगे से भाई यहाँ पे इंजन वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा ही टूट चुका है गाड़ी का। और अब देखेंगे भाई क्या गाड़ी ऊपर जा पाएगी, ये क्या देख रहे भाई हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी स्पीड बना गई भाई, आगे से इतनी ज़्यादा डैमेज लेने के बाद भी गाड़ी, लेकिन भाई गाड़ी यहाँ पे टेढ़ी जा रही थी भाई। और ये देख लो भाई गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि भाई मैं यहाँ पे ब्रेक ही नहीं लगा पाया यार, मैंने ब्रेक खींच दिया था भाई यहाँ पे पूरे के पूरे हैंड ब्रेक, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों यार यहाँ पे गाड़ी का बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ है यार, यहाँ पे बहुत ही तगड़ा सीन हो गया था यार यहाँ पे। मैंने बोलेरो की स्पीड भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, अभी तक की जो गाड़ियाँ भाई यहाँ पे ऊपर आई उनमें से सभी से ज़्यादा भाई स्पीड मैं कहूँगा यार यहाँ पे अपनी बोलेरो की थी दोस्तों। तो चलिए मैं कहीं पे छोड़ देता हूँ और बढ़ता हूँ आज की अपनी एक और पावरफुल गाड़ी पे मेरे भाई। अब बारी आती है दोस्तों यार यहाँ पे अपनी महिंद्रा XUV 500 की, ये चल चुकी भाई यहाँ पे अपनी महिंद्रा XUV 500। बस 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 प्यार से प्यार से, बस 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 बस, गुस्सा मत, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो यार, गाड़ियाँ ना भाई बहुत ही खतरनाक है अपनी इंडियन गाड़ियाँ भाई, इनको बहुत ही संभाल के निकालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यार खर्चा तो भाई माइकल का ही बैठने वाला है, बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाला वो भी, तो इस वजह से यार गाड़ी को मैं बड़े प्यार से निकालने की यहाँ पे ट्राई में रहूँगा। और ये देख लो भाई यहाँ पे भाई अभी तक तो अच्छे खासे परफॉर्मेंस के साथ निकले दोस्तों यहाँ पे अपनी XUV 500। अब नहीं 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 रोक ले भाई गाड़ी को, रोक ले जैसे तैसे करके यार, बंदर रोक तो लेता है यार गाड़ी को, लेकिन भाई अपनी XUV 700 ही नहीं रुकी भाई यहाँ से, बस उसका यार यहाँ पे जंप ही गलत हुआ था, तो जिस वजह से यार गाड़ी को दिक्कत आई थी। अब भाई यहाँ पे XUV 500 भी चल रही है भाई यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड के साथ, और बोलेरो से भी यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, अभी ब्रेक मारूंगा। अबे भाई साहब मैंने कितनी पीछे से भाई ब्रेक मारा भाई गाड़ी को, सेम दोस्तों वही दिक्कत हुई मुझे यार यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको नीचे जाने के बाद दोस्तों छोड़ के ऊपर दूसरा गाड़ी पर आपको मिलता हूँ। अब बारी आती दोस्तों यार यहाँ पर अपनी टाटा हैरियर की, बहुत ही अच्छी गाड़ी है दोस्तों, देखना हुआ यार यहाँ पर कहाँ तक सफ़र कर पाएगी अपनी गाड़ी। यार दो गाड़ियों ने तो यार यहाँ पे तहलका ही मचा दिया, बोलेरो ने यार XUV 500 ने दोस्तों, कुछ गाड़ी को तो यार वहाँ पे ऊपर चढ़ने में भी दिक्कत आ रही है यार, उसके बावजूद भी भाई गाड़ियाँ नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ तो भाई वहाँ पे 100 से ऊपर की स्पीड थी भाई बोलेरो की, और XUV ने तो भाई 150 की स्पीड बना ली होगी मेरे हिसाब से भाई 500 ने। आप भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताना यार गाड़ी की स्पीड कितनी थी यार, क्योंकि मुझे भाई अभी कन्फर्मेशन नहीं है। इसको भाई प्यार से निकालूंगा मैं यहाँ पे यार, नहीं तो यार गाड़ी एक्सीडेंट भी हो सकती थी। बस भाई प्यार से ही निकालनी पड़ेगी यार गाड़ियाँ हमें, अब ज़्यादा डैमेज नहीं ले सकते भाई यहाँ पे, क्योंकि माइकल के पास भाई अभी उतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि भाई वो अपनी सारी की सारी गाड़ियों का यार यहाँ पे टाइम टू टाइम रिपेयर करवा सके। अबे 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 रुक जा भाई, रुक जा, नीचे मत गिरा देना दोस्त, ऐसे तो यार हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ गिरा देगा तू, बस एक ही गलती माफ़ है तेरी यहाँ पे, सारी की सारी गलतियाँ माफ़ नहीं हो सकती हैं। ये चल रही दोस्तों यहाँ पे अपनी हैरियर, चल भाई चलो, अब जाके गाड़ी को थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी तक गाड़ी स्टिल चली हुई है भाई, ये बात कहनी पड़ेगी, गाड़ी के अंदर जान तो है भाई, बहुत ही अच्छी स्पीड बना रही है दोस्तों यहाँ पे और भी अच्छी खासी, बस यार चढ़ ही जाए और क्या चाहिए हमें, लेकिन भाई गाड़ी का ना भाई दिक्कत आ रही है सच में, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसको यार, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें लेने के बाद भी दोस्तों गाड़ी अगर करती है ना तो भाई वो गाड़ी नहीं भाई वो मिसाइल है दोस्तों, ऐसा सोच लेना यार बस आप। तो चलिए मैं गाड़ी को यहीं पर लगाता हूँ और बढ़ता हूँ आज की अपनी एक और पावरफुल गाड़ी पर दोस्तों।
अब बारी आती है दोस्तों यार यहाँ पे अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 की। देखना होगा भाई यहाँ पे कहाँ तक गाड़ी सफर कर पाएगी, ऊपर चढ़ पाएगी वहाँ पे या फिर नहीं दोस्तों, या फिर पीछे आ जाएगी, ये देखना होगा भाई यहाँ पे। अबे नहीं भैया यार स्पीड बहुत ही तगड़ी बना लेती है यार। मैं स्पीड बनाने के बाद यार मैं ब्रेक मारता हूँ लेकिन भाई गाड़ी रुकती ही नहीं है यार। गाड़ी का परफॉर्मेंस यहाँ पे लाजवाब होता है भाई अपनी इंडियन गाड़ियों का, कहर मचा रखा दोस्तों इन्होंने भाई गाड़ियों ने यहाँ पे। लॉस सैंटोस में छा गई आजकल भाई यहाँ पे। अभी लगाना पड़ेगा यहाँ पे ब्रेक, अभी करते हैं हम यहाँ पे अपने इस कर्सर का वेट। अबे 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 चलो चलो यहाँ पे भाई निकलने में कामयाब हो रही है अपनी स्कॉर्पियो S11। रोक ले माइकल, रोक ले मेरे भाई, रोक ले यार, नहीं तो गाड़ियाँ नीचे गिर जाएंगी भाई, फिर फायदा क्या होगा हमें यार। तो चलिए भाई मैं इसको यहाँ पे अभी कर लेता हूँ थोड़ा सा बैक, जिससे कि मैं भाई थोड़ी सी हेल्प मिल जाए दोस्तों यहाँ पे। तो अब बड़ी भाई यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो S11 क्या गाड़ी ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं, लेकिन किए क्या देख रहे भाई हम यहाँ पे, गाड़ी को दिक्कतें आ रही है भाई यहाँ पे यार। अबे 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 लेकिन भाई ये क्या देख रहे भाई हम, टायर बिलिंग हो रहे गाड़ी के आगे भाई, ये देख लो। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे इंजन भाई पावर नहीं छोड़ रहा है, बीच में तो भाई गड़बड़ा गया था इंजन यार इसका थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पे भाई चल रहा है अपनी हैरियर की तरह ही दोस्तों। हैरियर के इंजन पे भाई असर पड़ रहा था लेकिन इतना नहीं पड़ रहा था भाई जितना भाई यहाँ पे मैंने स्कॉर्पियो के इंजन को पड़ा है भाई। स्कॉर्पियो का इंजन यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तभी तो भाई इतनी यार यहाँ पे धक ओट गया मेरे भाई। ये देख लो यार बहुत ही अच्छे तरीके से यार यहाँ पे अपनी गाड़ी निकली आज मेरे भाई। तो चलिए मैं इसको यहीं पे लगाता हूँ और बढ़ता हूँ आज की अपनी एक और पावरफुल गाड़ी पे मेरे भाई। अब बारी आती है दोस्तों यार यहाँ पर अपनी फॉर्च्यूनर की, भाई धक्कड़ गाड़ी चल चुकी है दोस्तों यहाँ पे, धक्कड़ रुतबे के साथ मेरे भाई, रुतबा गाड़ी का कहर है दोस्तों। ब्रेक लगाने पड़ेंगे भाई, नहीं तो यार गाड़ी डैमेज भी हो सकती है भाई। अब ये देख लो भाई कैसे भाई मानो बॉटम को छू के आई है गाड़ी, लेकिन यार इससे अच्छा तो भाई वहीं पर लग जाती तू, नीचे आके भाई पलटा लेने से बढ़िया तो ऊपर ही लग जाओ यार। अगर यार गाड़ियाँ पलटा ले जाती ना तो भाई यहाँ पे ये देख लो भाई खिड़कियाँ कैसे हो जाती है भाई, थोड़ा थोड़ा भाई खिड़कियाँ यार खुल जाती है, क्योंकि भाई पलटा मारेगी गाड़ी तो भाई कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही। अगर भाई सीधा ऊपर लगेगी तो भाई सीधा छत छत का ही डैमेज होगा, मैं सोचूंगा भाई यहाँ से निकली जाए बस। और ये देख लो भाई अबे 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 वहाँ से बची तो यार यहाँ पे टकरा गई, ये था ना भाई असली एडवेंचर। तो मानो बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे भाई। अबे अबे नहीं 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 यार नहीं, अबे नहीं रुक गई भाई, रुक गई भाई, धड़कने रुक गई थी भाई मानो एकदम, ऐसा हो गया था यार मेरे साथ। मैं सोच रहा था यार क्या पता गाड़ी ना ही रुके। अब चल चुके दोस्तों यहाँ पे ऊपर के लिए अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी, यार बहुत ही ज़्यादा वेट कंटेन कर रही है तो भाई गाड़ी को दिक्कत आ रही है, बस स्पीड ना छोड़ जाए भाई, अगर स्पीड छोड़ गई गाड़ी तो भाई यहाँ पे गाड़ी बंद पड़ जाएगी। और ये देख लो भाई गाड़ी भाई यहाँ पे स्पीड छोड़ गई दोस्तों। अबे नहीं यार नहीं यार नीचे भी गिर गई भाई। तो चलिए मैं इसको नीचे लगा के भाई ऊपर आपको मिलता हूँ दूसरी गाड़ी पर। अब बारी आती है दोस्तों यार यहाँ पे अपनी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2.0 की भाई, ये चलिए भाई यहाँ पे अपनी इनोवा क्रिस्टा। देखना होगा यार यहाँ पे गाड़ी कहाँ तक जा पाएगी, गाड़ी ने स्पीड तो भाई बहुत ही अच्छी बना ली थी लेकिन कंट्रोल करने ही भाई अपने हाथ में ही है, लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत तो लगी ही गई यार। अबे अबे नहीं भाई नहीं भाई नहीं 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 यार बहुत ही तगड़े वाली डैमेज होगी यार यहाँ पे साइड से आ गई से, एक हिस्सा तो भाई यहाँ पे पूरा बैठ चुका दोस्तों गाड़ी का, पलटा लेती है ना भाई तभी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है भाई, वैसे गाड़ी इतनी ज़्यादा यार डैमेज नहीं होती है। अगर पलटा लिया भाई किसी भी गाड़ी ने यार वहाँ पे तो उसका भाई यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। और ये देख लो भाई थोड़ा सा चूक गई भाई, नहीं तो अपने कर्सर से अभी निकल जाती गाड़ी, लेकिन कोई ना भाई फिर से मिलेगा आपको मौका अभी। चलो और ये देख लो भाई अभी तो सक्सेसफुली गाड़ी निकल ही गई दोस्तों। अभी प्यार से भाई इसको मैं यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रुक तो गई भाई गाड़ी, थोड़ा बहुत तो मान लेती भाई ये कहना अपना दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको यार रिवर्स लेते हैं और बढ़ते हैं सीधा ऊपर के लिए, ऊपर से यार इसकी छत भी बैठ चुकी है दोस्तों यहाँ पे हल्की फुल्की। तो अब बारी भाई इसको ऊपर लेके जाने की, इनोवा क्रिस्टा 2.0। इंजन भाई गाड़ी का स्ट्रोंग है और बैलेंस देख लो भाई, मैं स्टेयरिंग को भाई यहाँ पे कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हूँ दोस्तों, ये देख लो भाई, क्योंकि एक साइड से भाई गाड़ी का टायर स्किट निकाल रहा भाई बार बार। और ये देख लो भाई फाइनली दोस्तों यहाँ पे अपनी इनोवा क्रिस्टा दोस्तों ऊपर पहुँचने वाली एक और गाड़ी हमारी आज की शामिल हो चुकी है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गाड़ी पे मेरे भाई। अब बारी आती है दोस्तों यार यहाँ पे अपनी हुंडई वेन्यू की, देखना होगा भाई यहाँ पे वेन्यू क्या ऊपर जा पाएगी या फिर नहीं, लेकिन ये तो भाई जानी चाहिए क्योंकि गाड़ी के अंदर भाई स्पीड बहुत ही भयंकर है, इसको भाई कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए यार बहुत बार तो। लेकिन अब भाई गाड़ी यहाँ पे सक्सेसफुली अंदर आ चुकी है,
देखना होगा भाई यहाँ पे गाड़ी क्या कहर मचाएगी दोस्तों, कहर का ही रोला है भाई आज यहाँ पे। यहाँ पे भाई गाड़ी अच्छी खासी ले रही है दोस्तों, यहाँ पे पावर पावर है गाड़ी के पास, ये कहनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे। अबे अबे नहीं 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 यार, मैं बोल रहा था ना बंदे को, भाई बंदे के पास भाई सब्र नहीं है। इसने सोचा भाई वेन्यू के पास पावर है तो तू ऊपर से ही लेके चल वेन्यू को, लेकिन ऐसा नहीं होता ना माइकल दोस्त, थोड़ा सा आपको यार वेट भी करना चाहिए, वेट भी तो यार किसी खेत की मूली होती होगी ना। तो यार ये बंदा रुकने में भाई बिल्कुल भी सब्र नहीं करता है, तो इसको भाई बहुत ही ज़्यादा मनाना पड़ता है दोस्तों, इसको यार लालच देना पड़ता है। और अभी भाई माइकल के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भाई वेन्यू को दिक्कत आ रही है दोस्तों, वेन्यू को दिक्कत आ रही है, स्पीड कम होती जा रही है दोस्तों वेन्यू की। इंजन पे असर पड़ रहा था लेकिन अब फिर से उठ गया भाई इसका इंजन, भाई पता नहीं कैसी क्वालिटी का डाल रखा भाई यहाँ पे हुंडई वालों ने। ये देख लो भाई स्पीड कम हो रही है, स्पीड छोड़ती है फिर पकड़ लेती है भाई, इंजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है गाड़ी का भाई, ये बात कहनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पे लगा देंगे और बढ़ते हैं आज के अपने एक और पावरफुल गाड़ी पे मेरे भाई। अब बारी आती है दोस्तों यार हम अपनी हुंडई क्रेटा की, देखना होगा भाई यहाँ पे क्रेटा कहाँ तक जा पाएगी, क्या ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं दोस्तों। ये देख लो भाई कैसा लग रहा है आपको भाई अपनी खड़ी चढ़ाई वाला आज का रैंप, उम्मीद करूंगा भाई आपको आज की वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो भाई वीडियो पर लाइक जरूर कर देना भाई, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा भाई ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट। उम्मीद करूंगा यार आपको हर वीडियो मेरी भाई पसंद आए, अगर भाई आपको कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत लगती है भाई वीडियो में तो आप भाई कमेंट बॉक्स में हमें भाई बता सकते हैं, हम भाई टाइम निकाल के यार आपका भाई कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे मेरे भाई। अगर भाई कहीं बार आपका भाई कमेंट का रिप्लाई करना रह जाता था भाई, उसके लिए भाई मैं दिल से सॉरी चाहूँगा भाई, क्योंकि भाई मेरी कभी भी ऐसी इंटेंशन नहीं रहती कि भाई मैं आपको भाई कभी भी हर्ट करूँ। ये देख लो भाई गाड़ी को दिक्कतें आ रही है, भाई गाड़ी को दिक्कतें आ रही है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन मैं मैनेज करने के भाई यहाँ पे पूरी पूरी ट्राई में लगा हुआ हूँ यार बार बार। इसको भाई मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा और, ये देख लो भाई एंड में आके टच कर गई थी गाड़ी। अब बढ़िया दोस्तों यहाँ पे अपनी क्रेटा क्या ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं दोस्तों, स्पीड छोड़ रही है, स्पीड छोड़ रही है। ये देख लो भाई स्किट निकाल गई गाड़ी, और ये देख लो भाई पीछे आ गई दोस्तों। अबे 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 रोक ले भाई रोक ले यार, नहीं तो नीचे ही गिर जाएगी दोस्तों गाड़ी। तो चलिए मैं इसको बाहर निकाल दूंगा और बढ़ता हूँ नेक्स्ट गाड़ी पे। अब बारी आती है दोस्तों यार यहाँ अपने टाटा सफारी स्ट्रोम की, बहुत ही ज़्यादा धाकड़ गाड़ी है भाई, ये बात कहनी पड़ेगी। 4x4 बिल्लो, 4x4 की ब्रांडिंग मिलती है भाई हमें यहाँ पे अपनी टाटा सफारी स्ट्रोम पे दोस्तों, लेकिन यार गाड़ी भाई क्रैश हो गई थी यार। अगर भाई मेरे साथ ऐसा होता है भाई पता नहीं क्यों यार, मैं जिस भी गाड़ी की भाई यहाँ पे थोड़ी सी भी भाई तारीफ करने लगता हूँ ना भाई, तभी भाई गाड़ी अपना रिस्पॉन्स वीक कर देती है भाई। वैसे भाई गाड़ी अपना रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार देती है भाई, आपने भी भाई ये चीज़ नोटिस की है या फिर नहीं है भाई मुझे कमेंट करके बताना। मैं निकालने की कोशिश कर रहा था यार लेकिन भाई थोड़ा सा फिर चूक जाता हूँ भाई, मैं हर बार तो नहीं बोलूँगा यार क्योंकि 2-3 बार ही हुआ ऐसा, लेकिन भाई एक दो बार गाड़ी निकली भी है भाई, इसलिए तो भाई मैं ये हरकतें करता हूँ ना बार बार। अबे 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 नहीं 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 पलटा मत लेना भाई, पलटा लोगे ना आप तो भाई नीचे ही जाओगे सीधा। अबे यार ये कैसी गाड़ी हो गई, अब गाड़ी को यार यहीं पर दिक्कत आ रही है भाई, तो ये ऊपर कैसे जा पाएंगे भाई, मुझे तो अभी से पहले टेंशन होगी भाई। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर टाटा सफारी ऊपर के लिए रेडी हो चुकी है, और ये देख लो भाई गाड़ी को दिक्कत आनी चालू हो चुकी है भाई, गाड़ी स्पीड छोड़ रही है यार यहाँ पे, और ये देख लो कैसे भाई इसका इंजन भाई झेल नहीं पा रहा है। और ये देख लो भाई रिवर्स आ गई गाड़ी, रिवर्स आ गई दोस्तों गाड़ी, और ऊपर जाने में भाई बिल्कुल गाड़ी के भाई हालत ख़राब हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको भी बाहर निकाल दूँगा और बढ़ता हूँ आज की अपनी फाइनल गाड़ी पर। अब बारी आती दोस्तों यार यहाँ पर अपनी हुंडई ओरा की आज की अपनी फाइनल गाड़ी। तो भाई मैंने कुछ गाड़ी को यार यहाँ पर ऊपर लगा दिया था, जिन गाड़ी को भाई मैं लगा सकता था भाई मैं उनको वापस ले आया था यार यहाँ पर ऊपर हेलीकॉप्टर की अपनी मदद से। तो अब बारी आती है भाई यहाँ पे अपनी हुंडई ओरा की, स्पीड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना जाती है भाई गाड़ी थोड़े ही टाइम में यार, ये बात कहनी पड़ेगी भाई, गाड़ी थोड़े ही टाइम में भाई यहाँ पे परकंचे उड़ा देती है भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों के दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा भाई आपको जोन जोन सी गाड़ी का ना भाई यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस लगे, तो भाई आप उस गाड़ी का भाई मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये देख लो भाई बुलशिट बोल रहा भाई बंदा, अबे बुलशिट का तुझे क्या पता बेटे, बुलशिट तो भाई मैं करवा देता अगर थोड़ी सी भी भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस में और कमी ना मिलती। तो भाई ओरा को मैं यहीं से ट्राई करूंगा क्योंकि भाई गाड़ी की भाई मुझे परफॉर्मेंस पे डाउट नहीं है, लेकिन भाई गाड़ी की भाई स्टेयरिंग स्टेबिलिटी भाई यहाँ पे जा चुकी है, कहीं ना कहीं भाई गाड़ी के स्टेबिलिटी को दिक्कत आ चुकी है। तो मैं इसको भाई प्यार से ही रोक लूँगा यार, पहले ही रोक लूँगा मैं तो भाई, क्योंकि नहीं तो भाई दिक्कत आ जाती गाड़ी को। तो ये तो भाई वैसे ही चढ़ गई, वैसे को पीछे ले जाना नहीं पड़ा मुझे, लेकिन भाई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुई दोस्तों, ये बात कहनी पड़ेगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको आज वाली वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो भाई वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज ऑलवेज।